इतनी अच्छी शेरो शायरी हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं ऐड कर दूं, इनके पाए की तो नहीं किसी के भी बोल सकूंगी बट ऐड कर देती हूं। मेरे लहू पर गुजर औकात करते हो, मेरे लहू पर गुजर औकात करते हो, दिन एक सितम रात करते हो, वो दोस्त हो के दुश्मन को भी मात करते हो, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करते हो के करामात करते हो। स्पीकर साहब, बहुत से इश्यूज थे जिन पर मैं बात भी करना चाहती थी, कल से बात हुई, आज भी बात हुई, मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत से इश्यूज थे। दो लफ्जों में मैं किविट पर बात कर लूंगी और उससे आगे मैं पीएसएम पर और शुगर पर चली जाऊंगी। किविट पर मैं बात करती हूँ, अपोजिशन हुकूमत पर एतराज करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब पर एतराज करती है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कर सके, हुकूमत नाकाम हो गई। तो मैं कहती हूँ एसओपीस का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा, ऐसी धूम से निकलेगा कि जब हम नैब जाते हैं तो 25-30 हवारियों के झुरमट में जाते हैं, जब हम हाईकोर्ट जाते हैं तो हम फूलों की पत्तियां निछावर कराते हुए जाते हैं और इल्जाम देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको फ्लू कहते हैं। फिर आ जाए, कहा गया कि जी आपने जो रिलीफ पैकेज दिया कैसा पैकेज है नजर ही नहीं आता। मैं तो कहती हूं कि इनको अपनी एनके बदलनी चाहिए, इनको उनके लेंस बदलने चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया को नजर आता है, सीएनएन को नजर आता है, ब्लूमबर्ग को नजर आता है, वो शायद इनको नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कैश ट्रांसफर प्रोग्राम आर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मैं तारीफ नहीं कर रही, ये दुनिया तारीफ कर रही है। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वजह से 70 डेवलपिंग कंट्रीज का, जो भी हमारे तरक्की पजीर ममालिक थे, उनका कर्ज डेफर हो जाता है। तो ये करामत है प्राइम मिनिस्टर साहब की। सर अब आ जाएं आप जो मेरे से रिलेटेड चीजें हैं। बात की गई चीनी के ऊपर, करनी भी चाहिए थी, आटे के ऊपर करनी भी चाहिए थी, और यहां नहीं करेंगे तो कहां पर करेंगे। स्पीकर साहब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चली जाती हूं। 2010 में चीनी का बहरान आता है, कीमत पहुंचती है 140 रुपए के ऊपर। ये जो आज एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को याद करें, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को याद करें, वही पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को ब्लेम करती है, कहती क्या आपने तो गन्ने की क्रशिंग स्टार्ट नहीं की थी इसलिए बहरान आ गया। अंडे का बहरान आ जाता है, मुर्गी का बहरान आ जाता है, और क्या बताऊं मैं आपको। और बिजनेस किसका है बकौल, वो तो कल शहबाज शरीफ साहब मान गए हैं कि मैं मुर्गी बेचकर, बकरियां बेचकर, कट्टे बेचकर बिजनेस करता हूं। तो ये सारे बहरान आते हैं, अंडा 10 रुपए से 100 रुपए का, मुर्गी 100 रुपए से 500 रुपए की हो जाती है। 2015 आते हैं, ये जो कल हमें सुना रहे थे ना किस किस बहरान का जिक्र करे, किस किस का रोना रोए, 2015 सीएनएन रिपोर्ट करते हैं, आज अगर कहते हैं तो मैं क्लिप्स दिखा देती हूं, लाइनें लगी होती हैं और वहां पर वो ये कहते हैं पेट्रोल का बहरान आता है, डॉलर का बहरान आता है, 2016 के अंदर फिर चीनी का बहरान आता है, 2017 के अंदर फिर चीनी का बहरान आता है। कोई कमीशन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, और बनती भी है, जो रिपोर्टें बनती भी हैं क्या होते हैं, या तो वो गायब हो जाती हैं या उनको जला दिया जाता है। अब क्या हुआ, यहां पर बात होती है चीनी की, आटे की बात क्यों नहीं होती। 20 किलो आटा इस्तेमाल होता है, 3 किलो चीनी इस्तेमाल होती है, इसलिए कि आटे की रिपोर्ट के अंदर सिंध गवर्नमेंट को कहा यह जाता है कि 10 अरब की जो आटा आपका गंदुम था वो आपके चूहे खा गए, 10 अरब का जो आटा था वो आपकी वहां पर बोरियों के अंदर मिट्टी भरी हुई थी अभी भी, और कुछ की तो इन्होंने प्रोक्योरमेंट ही सिंध गवर्नमेंट को सैक कर देना चाहिए और साथ ही मुराद अली शाह साहब को सैक कर देना चाहिए, लेकिन उनकी परवाह से तो सारा सिंध क्या पूरा पाकिस्तान जलता है। जो लोकस से निपटने के लिए 41 डबल केबन गाड़ियां मंगाते हैं, मतलब मुझे तो लगता है टायरों के नीचे को चलना था इन्होंने लोटस को, टिड्डी दिल से मुकाबला ये ऐसे करते हैं और ये आकर हमें क्या क्या सुनाते हैं। सर फिर आ जाए सब्सिडी, ये बिल्कुल कहते हैं सब्सिडी,
सब्सिडी कौन सा ऐसी चीज थी, क्या इन्होंने स्टेट बैंक की मर्जी के बगैर सिंध वालों ने 4 रुपए पर केजी की सब्सिडी नहीं दी थी और पर्टिकुलरली ओमनी ग्रुप को नहीं दी थी? बता दें, जवाब दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं इनको फैक्ट से एक बात ये बताना चाहूंगी और मैं ये चाहती हूं कि इनको ये पता हो कि जब ये बात करते हैं एक्सपोर्ट की तब इनके नॉलेज में मैं कुछ लाना चाहती हूं। 2013-14 इनकी हकूमत थी और उसके अंदर इन्होंने जो शुगर एक्सपोर्ट की, इन्होंने तकरीबन शुगर एक्सपोर्ट की 286.74 यूएस मिलियन डॉलर की। उसी अरसे में ये शुगर इंपोर्ट करते हैं 6 मिलियन यूएस डॉलर की। पीएमएलएन की गवर्नमेंट का मैं आपको बता दूं, 2017-18 508 यूएस मिलियन डॉलर की शुगर एक्सपोर्ट होती है और उसी अरसे के अंदर 5 मिलियन डॉलर की उसी वक्त ये इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं। यानी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो वो हलाल है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सारी चीजें देखने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो वो हराम है, और उसके बावजूद ये जिन अरसों की मैं आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा दे रही हूं और ये डेटा ऑन रिकॉर्ड है, उसी के अंदर इनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं और हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की कि शुगर की प्राइसेस एक्सपोर्ट की इजाजत देने की वजह से बढ़ी हैं। सर, ये तो वो फैक्ट से जो मैं बताना चाहती थी। फिर ये जब हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, इनको नहीं पता कि इनके आखिरी दौर के अंदर 20 अरब की सब्सिडी सलमान शहबाज साहब को दी गई थी। मैं यहाँ पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहती हूँ तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन अरसों में आपके दौरे हुकूमत में आपने हमसे ज्यादा की थी, प्राइसेस उस वक्त हमसे ज्यादा थी, लेकिन ये हिम्मत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की थी कि वो इंक्वायरी भी करते, अवाम के सामने भी लाते, कमीशन भी बनाते और उस पर वो पूरा एक्शन मैट्रिक्स भी बताते। और अगर किसी ने वो एक्शन मैट्रिक्स पढ़ा हो तो उसको ये पता होगा कि उसमें टाइमलाइंस दी गई हैं, उसमें एक एक को कहा गया है कि इस पे क्या एक्शन होगा। हर इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जिसको ये रॉट करके गए थे टॉप टिल बॉटम, उस पर एक्शन का कहा गया। अब सर आ जाए पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर, सुनते रहे हम, कल से सुन रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल प्राइवेटाइज कर दी। क्या किसी ने यह सुनने की कोशिश की कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या है, उसकी टाइमलाइन क्या है? सिंपल में एक छोटी सी उसमें इनको ये बात बता दूं, ये असद उमर साहब को ब्लेम करते रहे, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्लेम करते रहे, टाइमलाइन क्या है? हमारी हकूमत आती है, हमारी हकूमत आते ही, जो मैं इनको एक एक चीज बताना चाहती हूँ कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग होती है 31 अक्टूबर 2018 में, यानी पाकिस्तान स्टील मिल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की प्रायोरिटी थी और वहां पर उसको ये कहा जाता है कि जो स्टील मिल इन्होंने प्राइवेटाइजेशन पर डाली थी उसको प्राइवेटाइजेशन लिस्ट से हटा दे, और मिनिस्ट्री को कहा जाता है कि आप 60 डेज के अंदर हमें एक ऑपरेट करने का प्लान दें। उसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बनता है, कोई ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल नहीं है, कोई पॉलिटिकल बंदा उसमें शामिल नहीं है, सारे के सारे एक्सपर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें शामिल है। वो अपना प्लान सबमिट कराते हैं कैबिनेट को, ईसीसी को, और 8 अप्रैल 2019 को, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपने वादे पर पूरे थे। उसके बाद हर तरह के ऑपरेशनल प्लान स्टडी किए गए, एक एक चीज स्टडी की गई, और तब 16 अप्रैल 2009 को यह कहा गया, रिकमेंडेशंस दी गई कि पीएसएम को प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पर डाला जाए, उसका ट्रांजैक्शन एडवाइजरी बनाया जाए कर रहा है, और 3 मई 2019 को यानी पूरे 8 माह की वर्किंग के बाद उसे प्राइवेटाइजेशन पर डाला जाता है। इन्होंने किसी चीज को स्टडी किया नहीं होता, और ये आकर सवाल हमें ये कहने के कि हमने क्या किया, हम अपनी स्टेटमेंट से कितना फिरे, हम अब भी उस पर कायम हैं जो ये बात कर रहे हैं। मैं इनकी 3 बातों का सिर्फ ये जवाब दे दूं। सिंध गवर्नमेंट ने 2015 में जब पीएमएलएन इसको प्राइवेटाइज कराना चाहती थी, सिंध गवर्नमेंट ने तब भी यही कहा था कि आप इसको प्राइवेटाइज ना कराएं, आप हमें दे दें।
दो साल तक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज तब की जो पीएमएलएन गवर्नमेंट के नीचे थी, इनसे एक्शन प्लान मांगती रही। इनके पास किसी किस्म का एक्शन प्लान नहीं था और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर हमारे मुराद अली शाह साहब आते हैं और आकर कहते हैं कि जी आप फौरी तौर पर सीसीआई की मीटिंग कॉल करें। तो मैं इनको ये बता दूं और सीसीआई इसका फैसला करे पाकिस्तान स्टील मिल का कि हमने इसे प्राइवेटाइज करना है या नहीं करना। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास जिसमें सीसीआई दो दफा ये फैसला दे चुका है कि हमने इसको प्राइवेटाइज करना है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि क्या इनकी कैबिनेट कंफ्यूज है, क्या सिंध गवर्नमेंट कंफ्यूज है, या बिलावल साहब खुद कंफ्यूज है कि जिन्हें ये पता ही नहीं है कि पिछले 10 सालों में इन्हीं की गवर्नमेंट क्या करती रही है। फिर आप आ जाए इसके लॉसेस के ऊपर। तो सर ये कहते रहे रिसेशन आया था 2000 इनकी जब हुकूमत थी रिसेशन आया था। तो सर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि 1999 से 2000 तक उससे पहले किसकी हुकूमतें थी। दो दफा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की थी, दो दफा पीएमएलएन ने हुकूमत की थी। जब परवेज मुशर्रफ साहब को स्टील मिल मिलती है तो वो 9 अरब के खसारे में होती है और जब इनको दोबारा हैंडओवर की जाती है, हम डिक्टेटर की बात करते हैं यहां आकर, जब डिक्टेटर इनको हैंडओवर करता है तो उसमें उस वक्त 9 अरब का प्रॉफिट हो चुका था और एक साल के अंदर जस्ट विद इन 1 ईयर 2008 से 9 के अंदर 16 अरब का खसारा हमें मिलता है इनकी तरफ से, प्लस उसकी लायबिलिटीज हमें मिलती है। तो सिर्फ मुझे ये बता दे कि कौन सा ऐसा ब्लंडर था, कोई हम खसारे में तो नहीं छोड़ के गए थे। आप खसारे में छोड़कर जाते हैं 2015 में उसमें एडिशन होती है और 2015 के बाद वो मिल बंद कर दी जाती है और जब पीएमएलएन अपनी गवर्नमेंट छोड़ती है तो इन्हीं के वजीर का ये बयान है कि आप पीआईए के साथ स्टील मिल मुफ्त ले लें। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक सेफ एग्जिट दे रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सिर्फ ये फिक्र है वो जो 9000 हमारे मुलाजिम हैं, अगर ये स्टील मिल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलती है तो वो 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन देगी, वहां पर लोगों का रोजगार भी होगा, पूरे मुल्क की जरूरत भी पूरी होगी और ये जो सारा कर्ज ये जो हम तनख्वाहों की मद में उनको दे रहे हैं, हम वो अच्छी तरह से आवाम के पैसे की बजाय वहीं से कमा कर उनको दे सकते हैं। और दूसरी चीज रिमाइंडर मेरा ये है, क्या नवाज शरीफ साहब इसको बेचना नहीं चाहते थे? क्या खुर्शीद शाह साहब की ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट नहीं है कि पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को एक सेफ एग्जिट देकर इसका कोई अच्छा हल निकालना चाहिए? सर ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, इनके सारे क्लिप्स मौजूद हैं। आज ये जो फैसला आया है ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में है बल्कि उसके अलावा 23 लाख रुपया हम हर एक को ऑन एन एवरेज दे रहे हैं और हम सिर्फ इतना चाहते कि वो स्टील मिल जो 50 टन एक मुलाजिम पर चल रही थी जबकि दुनिया में वो 1500 टन एक पर चलती है, वो एक अच्छी हालत में दोबारा से हकूमत पे और अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे पर ना बोझ पड़े। यही विजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और यही मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि स्टील मिल का सिर्फ जो 1800 एरिया प्लांट है उसकी लीज की बात हो रही है, उसके मुलाजमीन को एक अच्छा सेफ एग्जिट दिया जा रहा है। अगर ये पाकिस्तान के मफाद में पॉलिटिसाइजेशन करें, विक्टिमाइजेशन करें, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट है। खुदारा इस वक्त पाकिस्तान का सोचें, बाकी सबको छोड़ दें। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी।